तो कोई भी ऐप अगर हम यूज करते हैं या रिचार्ज वाला ऐप यूज करते हैं या पैसा भेजने वाला ऐप यूज करते हैं, अगर हमें वो ऐप का अगर कस्टमर सपोर्ट हमें नहीं मिलता है तो क्या हमें वो ऐप यूज करना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में यही मैं क्लियर करूंगा। दोस्तों मैं हर ऐप का जब रिव्यू करता हूँ, जब अपने चैनल पर कोई भी ऐप का वीडियो बनाता हूँ, तो मैं उस पर कस्टमर सपोर्ट आप लोग का ज़रूर बताता हूँ कि जो भी ऐप का अगर कस्टमर सपोर्ट होता है तो ही वो ऐप को आप यूज कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। तो चलिए, हमने एक वीडियो बनाया है आज सुबह में ही, तीन तीन चार घंटे पहले मैंने पब्लिक किया है। तो उस ऐप का कस्टमर केयर का नंबर मैं आपको लाइव बातें करके आपको दिखाऊंगा कि वो ऐप पे वर्क करती है या नहीं करती है। तो दोस्तों वर्क 100% करती है और अच्छा खासा आपको अगर हर रिचार्ज पे आपको कैशबैक भी मिलता है। तो दोस्तों ये है नंबर, आपको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन में मोबाइल पे साइड में भी आपको दिखा दूंगा। तो आपको कोई भी अगर समस्या हो जाता है तो आप अपने कस्टमर केयर के बताकर अपने समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मेरे पास कोई समस्या अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए और इससे इस ऐप को आप लोग अच्छे से इस्तेमाल करें। और चलिए हम यहाँ पर कस्टमर केयर को नंबर पर कॉल लगा देते हैं। तो दोस्तों ये है इजी पेमेंट बिल कैशबैक ऐप के, अभी व्यस्त है, कुछ समय पश्चात प्रयास करें। फिर से एक बार और लगाते हैं और क्या, चलिए फिर से एक बार और लगाते हैं। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते सर, बताइए। सर हम इसलिए कॉल किए हैं सर कि देखिए मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है सर। तो मैं इस एप्लीकेशन को सर, मैं उस पर बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं कि वो हमसे पूछते हैं कि सर हम रिचार्ज जब उस एप्लीकेशन से करते हैं तो हमें कस्टमर सपोर्ट बराबर सब चीज़ मिलता है या नहीं। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे सब्सक्राइबर को विश्वास हो जाए ताकि इस ऐप को हम अच्छे से यूज कर सकें। तो सर इसमें जो हमारा कस्टमर सपोर्ट है सर, तो हमें तो 24 घंटा उपलब्ध मिलता है ना जी, इसमें कोई मतलब अपना जैसे कोई रिचार्ज करते हैं या कुछ भी करते हैं उसमें हमें कैशबैक भी मिलता है कि नहीं सर? जी सर। ओके थैंक यू सर, तो इसलिए मैं कॉल किया था, थोड़ा सा मैं आपके कॉल लेकर मैं अपने सब्सक्राइबर को बता सकूं कि ये ऐप जो है हमारा जेन्युइन ऐप है, अच्छी ऐप है, इसे आप लोग यूज कीजिए। जी जी जी, अगर कोई भी प्रोग्राम आता है तो ये नंबर हमारा नंबर, ये जो नंबर है हमारा कस्टमर केयर का, यानी कि आप व्हाट्सएप भी बात कर सकते हैं, ऐसे डायलिंग कॉल पर भी बात कर सकते हैं कि नहीं? नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप अगर आपको कॉल पर बात नहीं हो पाए तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिलेगा। ओके थैंक यू सर, आपसे यही इतना मेरे को बात करना था क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर को बता सकूं अच्छे से, क्योंकि सर इसलिए कि बहुत सारे ऐसे प्ले स्टोर पे ऐप है जो कि वो कस्टमर सपोर्ट देती ही नहीं है। सर आप अगर कोई भी इशू आए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। ओके आपको ढूंढना है तो जरूर ही मिलेगा। ओके थैंक यू सर, आपसे बात करने के लिए थैंक यू सर, ठीक है सर। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि मैंने इजी पेमेंट ऐप में मैंने बात कर लिया और बातें करके आप लोगों को लाइव सुना दिया, तो इन्होंने कितना तुरंत हमारा रिस्पांस अच्छे से किए और जो भी रिस्पांस आपको देखने को मिला वो अच्छे से मिल ही गया। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही कि आप लोग जो भी ऐप अगर यूज करते हैं उसे आप देख लीजिए कि उसमें हमें कस्टमर सपोर्ट मिलता है या नहीं। अगर दोस्तों जिस ऐप में अगर कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता है तो उस ऐप को दोस्तों आप यूज ना करें। क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ना करें, इसलिए दोस्तों यूज ना करें कि देखिए अगर आप बाय चांस अगर आप उसमें पैसा ऐड कर लेते हैं, अगर आप रिचार्ज करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, अगर आपका पैसा फंस जाता है तो आप किससे कॉन्टेक्ट करेंगे और अपना पैसा रिफंड कैसे लाएंगे? जब आपका कस्टमर सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो आप अपने पैसे को रिफंड कैसे लाएंगे? अगर ये ऐप जो 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 मैं अभी ऐप आपको बता रहा हूँ, इस ऐप में दोस्तों आपको व्हाट्सअप कॉलिंग भी मिलेगा और आपको डायलिंग कॉलिंग से भी आप कस्टमर से बात कर सकते हैं और अपने समस्या को समाधान बता के और अपना समाधान कर सकते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, आपसे हमें कुछ सीख मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।